स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने संबंधित जिलों में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही साथ सघन फॉगिंग पर भी बल दिया जाए। उन्होंने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ डेंगू तथा कोविड वैक्सीनेशन इत्यादि पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूर कदम उठाने होंगे, इस विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। डेंगू के मामले में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय करना होगा। ये टीमें लगातार लार्वा की जांच करें तथा दवाई इत्यादि का छिड़काव करने पर भी बल दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें डेंगू के मामलों में कम करके नहीं आंकना चाहिए बल्कि पूरे प्रयास करने होंगे, क्योंकि लक्षण वाले अभी तक 60% तक टेस्ट डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स देने के संबंध में आई नई गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे जल्द ही संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने कोविड संक्रमण के से संबंधित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कोविड की वैक्सीनेशन में तेजी लाए और विशेष तौर पर दूसरी डोज लगाने के लिए दूसरी डोज के पात्र लोगों से संपर्क साधें, उन्हें वैक्सीनेशन करवाने के लिए काम करें। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।